Well guys, Samsung Galaxy A12 लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बकवास फोन है, मतलब ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज के अराउंड आपको एक IPS डिस्प्ले मिल जाता है विद HD रेजोल्यूशन। मतलब ये तो ऐसा भीख देने जैसा हो गया। फॉर एनी रीजन कंसिडर कर रहे हो A12 खरीदना, तो यार थोड़ा रुक जाओ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपका पैसा एकदम करेक्ट डायरेक्शन में पहुंचा दूंगा मैं। एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, बस थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा वर्थ है एज कम्पेयर टू दिस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में, जो फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 15,000 के अराउंड मिल रहा है, बट अभी अनअवेलेबल है, बट आप इसको ऑफलाइन मार्केट में जाकर खरीद सकते हो। एंड एनीवेज, आपका पैसा करेक्ट जगह पर लगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में काम करेंगे एंड वीडियो कॉपी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने बैंग नहीं किया, तो जो लोग भी कमेंट करने वाले हो कि कॉपी किया जिसके बैठ। द फर्स्ट रीजन वाई Samsung Galaxy A50s is better than the A12 is the display. यहाँ पर आपको Samsung Galaxy A50s में you get a super AMOLED display, full HD plus resolution. यहाँ पर आपको काफ़ी better PPI देखने को मिल जाता है as compared to A12, जो A12 में आपको somewhere 294 के अराउंड मिलता है, जबकि A50s में आपको 403 PPI डेंसिटी देखने मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में मैं पर्सनली यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ A50s, मेरे पास है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइज, मैंने A50s यूज़ किया है काफ़ी हद तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते मैंने इसको यूज़ किया है, एंड मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी ग्रेट रहा है। डिस्प्ले के मामले में मैं तो कहूँगा इसमें कुछ अलग सा था डिस्प्ले में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, देखने में बहुत सही लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यों A50s बेटर है A12 से, एंड दैट इज़ प्रोसेसर। सैमसंग ने A12 के साथ P35 क्यों दिया, इसका मेरे पास आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पर A50s में आपको Exynos 9611 देखने को मिल जाता है, जो 2020 में काफी पॉपुलर चिपसेट रहा था सैमसंग के स्मार्टफोन्स में। ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस में 9611 देखने मिला था। तो यहाँ पर एक मेजर रीजन ये आ जाता है कि P35 में भले आपको जो गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा मिलती है, बट P35 में आपको 4 2.35 गीगाहर्ट्ज़ के A53 कोर्स देखने मिल जाते हैं, जबकि Exynos 9611 में आपको 4 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के Cortex A73 कोर्स देखने को मिल जाते हैं, जो बेटर है। जो P31 है A12 के साथ आता है, उसमें आपको टोटल सारे 8 के 8 कोर्स A53 मिल जाते हैं, यहाँ पर Exynos में आपको 4 A73 मिलते हैं एंड 4 A53। तो प्रोसेसिंग स्पीड के मामले में डेफिनेटली Exynos 9611 बेटर है। बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की, तो A12 में आपको थोड़ा 4 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, एंड काफ़ी सिमिलर है ये F62 के कैमरा मॉड्यूल के डिज़ाइन में, स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है, जबकि A50s में आपको स्टैंडर्ड जो सैमसंग का लंबा वर्टिकल लाइनअप रहता है कैमरा का, वो आपको मिल जाता है। सैमसंग A50s में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, बट लेट मी टेल यू, इट इज़ वर्थ इट। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द A12 कैमरा, बट इसके साथ जो मेरा टाइम था, द कैमरा वॉज रियली ग्रेट। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है, तो सेल्फीज़ जो आते हैं बहुत ही सही आते हैं। एंड मैंने अपने सारे वीडियोज में मैं बोलता हूँ, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स को भी पता होगा कि सैमसंग का जो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है बहुत ही सही रहता है, तो डेफिनेटली बहुत ही सही फोटोज खींचता है ये कैमरा, एंड मेरे हिसाब से 15,000 के प्राइस के अराउंड इट डज अ प्रीटी वेल जॉब। एंड जबकि क्लियरली सैमसंग A12 में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कंपेयर कर ही सकते हो 8 कहाँ 32 कहाँ। एंड यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर क्वालिटी, बट ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब बेटर डिटेल्स। नंबर 4 रीज़न वाई सैमसंग गैलेक्सी A50s इज बेटर देन द A12 इज द फिंगरप्रिंट स्कैनर। अभी यहाँ पर आपको A50s में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जबकि आपको A12 में साइड माउंटेड मिल जाता है। अब डेफिनेटली कैपेसिटिव आर फास्टर, बट देन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का अपना ही अलग मज़ा है, बहुत सही लगता है यूज़ करने में, एंड एकदम फ्यूचरिस्टिक फील आती है। अगर आप लोग में से कोई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है, इन डिस्प्ले या फिर साइड माउंटेड। वेल, एक बात मैं कंप्लेन करना चाहूँगा कि A50s में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी सी मुझे कम लगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, थोड़ा देर उंगली पकड़ के रखनी पड़ती है टू रिकॉग्नाइज। अभी हम लोग बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको A12 में ज़्यादा बैटरी मिल जाती है, एंड विद अ लेस रेजोल्यूशन डिस्प्ले यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बेटर देखने मिलेगा। बट मैं बताना चाहूँगा कि मेरे नॉर्मल डे टू डे यूज़ में जितना भी मैंने इसको यूज़ किया है, इसने मुझे बैटरी के मामले में धोखा बिल्कुल भी नहीं दिया है। प्लस दिस इज़ एन AMOLED डिस्प्ले,
there is no comparison between an AMOLED display and IPS display in terms of battery saving, because obviously यहाँ पर पूरे pixels बंद हो जाते हैं जबकि IPS में सारे के सारे on रहते हैं even when showing blacks. तो यहाँ पर battery saving बहुत हो जाती है and with 4000 mAh पर battery ये एकदम अच्छे से optimize कर लेता है, अच्छे से battery saving हो जाती है. बल्कि long term usage की बात करें तो definitely दोनों ही phones slow होने ही वाले, because यहाँ पर P35 and Exynos को मिलता है. Snapdragon तो पूरा out of the picture है, इसलिए मेरा तो opinion होगा कि अगर आपको lag face करना ही है थोड़े time के बाद तो मैं तो कहूंगा A50s के साथ lag face कर लेना. And to all the Samsung lovers, यहाँ पर आपको दोनों ही phones में Android 10 का support देखने मिल जाता है. A12 में आपको out of the box Android 10 मिल जाता है, but then A50s में Android 10 का upgrade आ चुका है. आप अगर खरीदते हो नया तो आप डायरेक्टली इसको अपग्रेड कर सकते हो टू द लेटेस्ट One UI 2.5. अब बात करते हैं दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग की, तो A12 आपको 14,000 के अराउंड मिल जाता है एंड A50s आपको फ्लिपकार्ट पर 15,000 के अराउंड प्राइसिंग देखने को मिल जाती है. वेल फ्लिपकार्ट पे तो फिलहाल अनअवेलेबल है, बट आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके आराम से 16,000 to 15,000 के अराउंड इस फोन को खरीद सकते हो. एंड अगर आपको सिर्फ सैमसंग ही खरीदना है तो मैं कहूँगा 15,000 के अराउंड दिस फोन इज रियली अ ग्रेट ऑप्शन एज कम्पेयर टू कोई भी एम सीरीज. वेल मैं एम सीरीज इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ए सीरीज ज़्यादा बेटर है, एंड इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि वाई ए सीरीज इज बेटर देन सैमसंग एम सीरीज. तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरा बैकड्रॉप पसंद आया, आई मीन जस्ट लुक हाउ गॉर्जियस दैट इज, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक जरूर करके जाना. कमेंट कर दो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मुझसे, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो यार कमेंट जरूर करना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ. तो एनीवेज अगर अब तक वीडियो देख लिए तो थैंक यू सो मच गाइज, 50K के बहुत पास है. तो शो योर सपोर्ट एंड इट्स मी देयर साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. Thank you.